पे चौथे नंबर पर गिने जाते हैं। हर रोज एक मर्डर, तीन रेप, चार डकैती होती है। कल तो जब मैं चीका से उतराना जा रहा था तो एक तीन साल की बच्ची के साथ कैथल के तीतरम में रेप कर दिया। साथियों, खट्टर राज में ऐसे काम होने लगे जहां कानून व्यवस्था पूरी तौर पर बर्बाद हो चुकी है। आज के दिन ना तो बिलड़ी घर में सुरक्षित है, ना ये मंडी में बैठे व्यापारी सुरक्षित, ना किसान खेत में सुरक्षित और ना ही पुलिस वाला थाने में सुरक्षित। आठ ऐसे केसेज आ गए जब पुलिस वालों को थाने में घुसपे छूटता है, गोली चलाई है, तो सुरक्षा कौन करेगा? आज एक ऐसा कहर है गुंडा तत्वों का जिनको खट्टर साहब अपने स्टेज पर चढ़ाते हैं, खुली छूट दे रखी है साथियों। और एक और कहर जहां गुंडे का तो है, खुले भागड़ों का भी उतना ही कहर। आज मुझे बता दो, मंडी में नजर मार लियो, 20-30 रुपए घंटे बिक जाएंगे। और खेत में तो यह हालत है, किसान पानी लगाने समझाता है कि नवारा पशुओं से रखवाली करने उसको ज्यादा जा रहा पड़ता है। पर एक वादा मैं करता हूं, आप सारे मिलके पवन को विधायक बना दो, एक महीने के अंदर गुंडों से और खागड़ों से प्रदेश को मुक्ति दिला रहा है। साथियों, खट्टर साहब कहते हैं रोज आज मेहनत करनी है, एक एक मुद्दे पर लड़ना पड़ेगा कि मोटा भाई छोटा भाई आकर कहेंगे कि हमने 370 हटा दी, हमने तो देशभक्ति के लिए इतना कुछ कर दिया, इनको ये बताने का काम करो। हरियाणा की तो वो धरती है जिस धरती से फौज में हर 10वां जवान है, और जितने हमारे जवान शहीद हुए हैं इतने तो मोटा भाई छोटा भाई के गुजरात के आज तक फौज में जवान की भर्ती नहीं हुए। साथियों, ये हमें देशभक्ति सिखाएंगे, हमें तो गर्व है इस मिट्टी पर, हरियाणा की इस मिट्टी पर जिसने हमें इतना मजबूत कर दिया कि आज पाकिस्तान और चाइना भी लोहे के चने दबाते हैं क्योंकि हरियाणा के छोरे वहां बॉर्डर पर बंदूक ताने खड़े हैं। साथियों, कहना मत, इनका कुछ भरोसा नहीं, 7 दिन रहेंगे कोई बम फेंकवा दे, गोले फेंकवा दे, राज इनका है। और अब तो ये जाके भाई अमरीका में प्रचार करते हैं, पाकिस्तान वाले इनका प्रचार करते हैं, बेरा जी इनके पास के ताकत है, पीछे की भी कोई कमी नहीं है। हमने तो गरीब का कैंडिडेट बता रहे हैं आपके बीच में, तो आपकी लड़ाई कर सकता है। इन वाले कैंडिडेटों को उठा के देखो, 90 के 90 कैंडिडेट करोड़पति है, कोई आम घर का व्यक्ति इनने सुनने का काम नहीं किया। हमने तो पवन को जिम्मेवारी दी, आपके पड़ोस में चले जाओ पानीपत शहर से, हमारा 100 का गरीब का छोरा था जयदेव, उसको जिम्मेवारी दे दी, 2 टीचरों को चुनाव मिला दिया। उसके बाद देखो फौजियों की बात है, तो हमने तो तेज बहादुर को भी सीएम के आगे खड़ा कर दिया, हमने तो उन्हें खड़ा कर दिया। साथियों, ये बीजेपी वालों के पास पीछे की कोई कमी नहीं, तकड़े मोटे सामने पार्टी भी बढ़ ली और इनके कैंडिडेट भी बढ़ लिए। और रिकॉर्ड बताता है कि बीजेपी के पास तो 2017 के अंदर एक साल में 1000 करोड़ से ज्यादा चंदे के तौर पर आया। साथियों, भाई दूसरी ओर देखो क्या हालात है, कि आज पत्रकार साथी आते जो है वीडियो भी बनाएंगे दिखाएंगे भी, मगर जब टीवी और अखबार की बात आती है तो मोदी की ताकत मीडिया पे भी इतनी है कि थारी खबर अगर पहले नंबर पे आनी चाहिए तो उठा के 20वें नंबर पे डाल देंगे। इनकी कमी नहीं है, ये लोकल पत्रकार तो अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं, पर इनके ऊपर जो मालिक बैठे हैं उनके ऊपर भी मोदी का दबाव। मगर हमारे पास एक ताकत है, वो ताकत मोदी के पास नहीं, वो ताकत शाह के पास नहीं, वो ताकत सोनिया के पास नहीं है, वो ताकत है कार्यकर्ताओं की, मैन पावर की ताकत, कार्यकर्ताओं की शक्ति। अभी मैं चुनाव यहां से देखना शुरू करूं तो एक एक साथी के मुंह पे जो रौनक है, जो चमक है, जो हौसला है, ये साबित कर देता है कि सोनीपत जिले की 370 तोड़ने का कोई काम करेगा तो सबसे पहले गठोदा हल्का तोड़ने का काम।